भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ पर पीआईएलएफ दायर होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए महागठबंधन और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मधु कोड़ा पर आरोप लगाया कि रामा पांडे पहले उनके लिए काम करते थे और उन पर भी आरोप लगाना चाहिए। इस पर सिंहभूम लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा ने कहा कि यह चुनाव विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जिस वजह से वह अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी की ये पुरानी नीति रही है कि वह आरोप लगाए तथा जुमलेबाजी करे। देखिए, बीजेपी का तो यही नीति रहा है कि वो हमेशा आरोप लगाती है, जुमलेबाजी करती है। ये चुनाव विकास के नाम पर होना चाहिए था, जैसे मोदी जी ने कहा था 2014 में कि हम विकास की गंगा बहाएंगे, हमें मौका मिलेगा तो हम विकास करेंगे, उन्होंने ये कहा था, तो इसी मुद्दे पर लड़ना चाहिए था। लेकिन आज वो कभी मधुकोड़ा पर इल्जाम लगाती है, कभी कांग्रेस को कुछ कहती है, कभी किसी को कुछ कहती है, उसके पास कुछ है नहीं करने के लिए, गिनाने के लिए, खासकर इस सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में गिनाने के लिए उनके पास कोई कार्य नहीं है। इसी का परिणाम है कि वो अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो ये अपने मानसिक संतुलन खो बैठे हैं कि उनको अब देखिए कोई पीआईएल दायर हुआ है तो अब वो कोर्ट का काम है, कोर्ट उस पर अपना जो निर्णय लेना है वो लेगी। लेकिन मैंने कहा कि ये चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहिए था। कैसे उन्होंने क्या काम किया है ये बताया, बीजेपी सांसद लक्ष्मण गिलुआ बताए कि उन्होंने जो 5 वर्ष जनता ने उनको बहुमूल्य समय दिया उसमें उन्होंने यहाँ के लिए क्या किया, वो उनको बताना चाहिए। लेकिन ये अनाप शनाप बयानबाजी करके, जुमलेबाजी करके जनता इस बार माफ नहीं करेगी।